बूढ़ी चील उस जंगल में नहीं आई थी। वो बूढ़ी थी और बहुत कमजोर थी। ये कोई भी पक्षी नहीं जानता था, इसलिए सब पक्षी उस चील से बहुत डरे हुए थे। शिकार तो मैं कर नहीं सकूंगी, ना जाने इस जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा, कैसे गुजारा होगा मेरा। वो चील बैठी ऐसे सोच रही थी। उसी जंगल में एक कौवा और कवि भी रहते थे। कवि की पत्नी का नाम गोरी था। गोरी कवि अपने पति से कहती है, कालू जी कुछ पता चला, हमारे जंगल में एक बड़ी चील आ गई है। हाँ, मुझे कबूतर ने बताया है, वो चील बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक भी। कालू क्यों ना हम उस चील से अपने संबंध बना ले, ऐसे हमें उस चील से कोई डर ना होगा और ऐसे दूसरे छोटे पक्षी भी हमसे डरेंगे। हाँ गौरी, हम ऐसा ही करते हैं। फिर गोरी और कालू उस बूढ़ी चील से मिलने जाते हैं। रास्ते में जाते जाते कालू कौवा चाचा कबूतर की मिठाई की दुकान पर रुकता है। चाचा कबूतर, 1 किलो स्वादिष्ट स्वादिष्ट रसगुल्ले डाल दें। कबूतर जी, रसगुल्ले अच्छे अच्छे डालना, मैं अपनी सहेली चील से मिलने जा रही हूँ। क्यों, क्या वो चील आपके जाने वाली है? हाँ, वो चील मेरी पुरानी सहेली है, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। फिर कौवा और कवि चाचा कबूतर से रसगुल्ले लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वाह वाह, जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर सुंदर है मेरी चील सहेली। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इसीलिए तो हम आए हैं चील दीदी। मेरा नाम कालू कौवा है और ये मेरी पत्नी गोरी कवि है। हम आपसे अपने संबंध बनाने आए हैं ताकि दूसरे सब पक्षी हमसे डरें। अब समझी मैं, तो फिर मैंने भी तुम्हें अपनी सहेली मान लिया। मेरी चील सहेली, मैं ये स्वादिष्ट रसगुल्ले लाई हूँ आपके लिए, खा कर देखें कैसे हैं। बूढ़ी चील तो कल से भूखी थी, वो जल्दी से रसगुल्ले खाने लगती है। ये सारे रसगुल्ले आपके लिए हैं, अब हम चलते हैं। सहेली, अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कवि चिड़िया से कहती है, चिड़िया मैं तो भोजन लेने पहाड़ों पर जा रही हूँ, क्या तुम जाओगी मेरे साथ? ना बाबा ना, वहाँ तो बड़ी खतरनाक जीव रहती है, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। मेरी सहेली है वो, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। गोरी वहाँ बैठी हुई थी कि छमछम चाचा वहाँ आता है। गोरी, मैं पहाड़ों से गुजर रहा था कि चील ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। लो सुन लो चिड़िया, मेरी सहेली ने संदेश भेजा है मेरे लिए। चील ने कहा है कि गोरी से कहना मेरे लिए खिचड़ी बना कर लाए। ऐसा कहते हुए छमछम वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी सहेली के लिए खिचड़ी लेकर जानी है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी, खिचड़ी कहाँ से बनाओगी? घर में ना तो चावल है और ना ही दाल। उस दिन जो पैसे मेरे साथ थे उनसे तो मैं चील के लिए रसगुल्ले ले गया था। कुछ करो कालू, नई नई सहेली बनाया है मैंने उसे, क्या सोचेगी वो? मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। फिर कालू जी अपने मामा जी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आते हैं। गोरी, ये लो पैसे, मेरे मामा जी ने कहा है कि आज के बाद वो मुझे पैसे नहीं देगा। ये पैसे मामा जी ने आखिरी बार दिए हैं।
कालू मैं अब जल्दी जल्दी से चावल और दाल ले आती हूँ। फिर गौरी मिठू की दुकान से दाल और चावल लेने जाती है। गौरी दाल चावल लाने के बाद खिचड़ी बनाती है। गौरी ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो हमने खुद कभी नहीं खाई जैसी तुम चील को देने जा रही हो। कालू चील से संबंध बनाना कोई आसान काम नहीं, तुम देखना एक दिन बड़े काम आएगी चील हमारे। फिर गौरी खिचड़ी डिब्बे में डालकर चील की तरफ चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है खिचड़ी, ऐसी खिचड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अपनी सहेली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा तो फिर कल मेरे लिए गाजर का हलवा तो लेकर आना। मुझे गाजर का हलवा खाए पूरा एक साल बीत गया है। ये सुनकर गौरी चुप कर जाती है। क्यों, क्या हुआ, डर गई कि सहेली ने तो नई फरमाइश कर दी है। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरी चील से दोस्ती हो गई है। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। ये क्या मुसीबत तुमने गले डाल दी है गौरी, अब हम कल गाजर का हलवा कहाँ से लेकर जाएंगे। सब पक्षी अच्छी भली जिंदगी जी रहे हैं, एक तुम्हें ही चील से संबंध बनाने की चिंता लगी हुई है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, जब वो इन छोटे पक्षियों को खाने आएगी तो मेरे घर में ही आकर रुकेगी। तुम किसी ना किसी तरह गाजरे ले आओ, बाकी का काम मैं कर लूँगी। फिर कालू कौवा गाजरे लेने चला जाता है। गौरी भी चाचा कबूतर की दुकान से शक्कर लेने चली जाती है। चाचा जी एक किलो शक्कर दे दें। कबूतर गौरी को शक्कर दे देता है। मैं कल दे जाऊंगी पैसे। रुको रुको यहाँ शक्कर, और भागो यहाँ से, पहले ही तुम्हारे पति ने मेरे 200 रुपए देने हैं। मुंह संभाल कर बात कर ओए कबूतर, मेरी चील से दोस्ती है। चील से दोस्ती है तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता किसी चील वील को। शक्कर रखो और भागो यहाँ से। फिर गौरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कभी तो चील से संबंध बनाने के चक्कर में पागल हो गई थी। वो अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेने जाती है। बेटी मेरे पास यही 200 रुपए हैं, ये ले जाओ। माँ मैं लौटा दूंगी जल्दी ही आपको ये 200 रुपए। फिर गौरी वो पैसे लेकर कबूतर के पास जाती है। ले लो पैसे और अब चुप करके मुझे शक्कर दे दो, पहले ही तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। लो ये लो शक्कर, अब तैयार रहना मेरी सहेली से पिटने के लिए। जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता किसी से। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू भी गाजरे किसान के खेत से चुरा लाया था। गौरी गाजर का हलवा बना लेती है। गौरी थोड़ा सा मुझे भी दे दो गाजर का हलवा। ना कालू ना, ये हलवा चील सहेली ही खाएगी। आज तो मेरी सहेली मेरे काम आएगी। मैंने आज अपनी सहेली से कहकर गंदी आंखों वाले कबूतर की पिटाई करवानी है। फिर गौरी गाजर का हलवा डिब्बे में डालती है और वो दोनों पति पत्नी चील की तरफ चले जाते हैं। चील सहेली देखें देखें, मैंने गाजर के हलवे में बादाम भी डाले हैं। मैं देख रही हूँ, थोड़ा मेरे पास कर दो, मुझसे हिला नहीं जाता। फिर गौरी गाजर का हलवा चील को दे देती है, जिसे चील मजे मजे से खा लेती है। कालू और गौरी बैठे देख रहे थे। कालू के मुंह में तो हलवा देखकर पानी आ रहा था। ये हलवा तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। सहेली अब एक काम पड़ गया है मुझे आपसे। अब पता चलेगा पक्षियों को कि मेरे संबंध भी चील से है। बताओ बताओ क्या काम है गौरी।
पहली एक कबूतर है मेरे जंगल में, दुकान वाला चाचा कबूतर। उसने बड़ी बातें सुनाई है मुझे, उसकी पिटाई करनी है। क्या कबूतर की पिटाई? मगर तुम्हें उसे यहाँ मेरे पास लाना होगा। क्यों चील सहेली, आप उसे वहाँ जाकर सब पक्षियों के सामने मारे? मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ कवि? मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ और मैं तो उड़ भी नहीं सकती। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। क्या? हाँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ सकूं। चल गोरी, अपने जंगल जाकर किसी अपने जैसे से संबंध बनाए जो खुशी गमी में हमारे काम भी आए। बुड्ढी चील कहीं की, कितने दिनों से पेट भरे जा रही हो, अब बता रही हो कि मैं बुड्ढी हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। चील पीछे से आवाज देती है, सहेली कल मेरे लिए बिरयानी तो लेते आना। मगर गोरी पीछे मुड़कर नहीं देखती।